हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा शाला में आपका स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं एक पैटर्न बनाकर लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इसे आप लेडीज़ कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स हमें 11 के मल्टीपल फंदे चाहिए। एक एक फंदा हमें दोनों साइड में एक्स्ट्रा चाहिए और दो फंदे हमें यहाँ के लिए एक्स्ट्रा चाहिए। इसके लिए हमें 4 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए और 11 के मल्टीपल फंदे चाहिए। आइए फ्रेंड्स, इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें 11 के मल्टीपल फंदे प्लस 4 फंदे चाहिए। हमें एक एक फंदा दोनों साइड में आएगा और दो फंदे हमें एक्स्ट्रा यहाँ के लिए चाहिए। इसे स्टार्ट करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ से यहाँ तक का ये पैटर्न बताऊँगी। इसके लिए मैंने 26 फंदे डाले हैं। 26 फंदे डालकर मैंने इसमें 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी निकाल ली है। देखिए, सबसे पहले हमने ये 4 सिलाइयाँ इसमें निकाल ली हैं। अब सीधी सीधी, अब हम सबसे पहले एक फंदा अपना ऐसे सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे और दो फंदों का यहाँ पर हम ऐसे देखिए दो फंदे लेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे, धागा आगे करेंगे, इस फंदे पर हम एक जाली डाल देंगे। फिर दोबारा से हम धागा आगे करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलटते हुए ये देखिए हम दो फंदे लेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे, फिर हम दो फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये हमारे दो फंदे थे और नौ फंदे हमारे ये हैं। फिर आगे धागा करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, अब नौ फंदों पर हम एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा ऐसे बनाएंगे। दो फंदे उल्टे बनाने के बाद एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, 4 फंदे बन गए हमारे ये। फिर सीधा 5, 6, 7, 8, धागा पीछे और एक ये 9। 9 फंदे देखिए हमने यहाँ पर अपने एक सीधा एक उल्टा करके बनाए हैं। धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट का फंदा हम अपना सीधा बना देंगे। देखिए इस तरीके से, अब हम उल्टी साइड से भी वैसे ही करेंगे। जो हमारे ये पहला फंदा है इसे हम उल्टा बुन लेंगे, जो हमने दो फंदे इधर से उल्टे बुने हैं इनको धागा पीछे करके सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, जो फंदा हमने इधर से सीधा बुना है वो उसे हम इधर से उल्टा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक ये 9। 9 फंदे देखिए हमने अपने सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुना है। अब धागा पीछे करेंगे, दो फंदे हमने इधर से उल्टे बुने थे इधर से हम इनको सीधा बुन देंगे, धागा आगे करेंगे, 9 फंदे यहाँ पर हम अपने उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक ये 9। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा लास्ट का हम उल्टा बना देंगे। अब देखिए हम इसकी सीधी तरफ आ गए हैं और हमारी ये पैटर्न की 3rd सिलाई है। इसमें हम पहला फंदा अपना ऐसे सीधा ही बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे ही बनाएंगे, ऐसे धागा पीछे करेंगे, पिछली सिलाई में हमने दो फंदे ये सीधे बनाए थे, अब हम इसमें से एक फंदा सीधा बनाएंगे और इन दो फंदों का यहाँ पर हम एक करेंगे। इस तरीके से दो फंदे लेंगे और दोनों फंदों का एक कर देंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली डालेंगे और 3 फंदे हम ये सीधे बुन लेंगे, 1, 2 और एक ये 3। देखिए जाली डाल दी और 3 फंदे सीधे बनाए, धागा आगे किया, इस फंदे को हम दोबारा से ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर भी हम दो फंदों का एक करेंगे और एक जाली डाल देंगे, फिर एक फंदा हम ये सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, फिर हम 9 फंदे अपने, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, फिर फंदा एक सीधा फिर एक फंदा उल्टा, ऐसे ही हम अपने ये 9 फंदे बना लेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए।
अब हम आगे दो फंदों पर आगे धागा करेंगे, दो फंदे अपने ये उल्टे बनवा लेंगे, धागा पीछे करके लास्ट का फंदा हम अपना ये सीधा बनाएंगे। अब हम इसकी उल्टी सिलाई निकालेंगे। उल्टी सिलाई हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने अपनी पैटर्न की सेकंड सिलाई निकाली थी। पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा सीधा उल्टा, नौ फंदे हैं जो हमारे, उनको हम उल्टा सीधा बनाते हुए इसी तरह से जाएंगे। देखिए ये देखिए हमने अपने ये नौ फंदे बना लिए हैं। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे हमारे ये सीधे बनाएंगे, धागा आगे, नौ फंदे उल्टे। देखिए जो हमने नौ फंदे पर अपना पैटर्न डाला है इनको हम उल्टा बना देंगे, उल्टी साइड से धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे करके लास्ट का फंदा उल्टा। अब देखिए हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं और सीधी साइड में अब हम पहला फंदा अपना ऐसे सीधा ही बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक ही फंदा बचा है ये सीधा, अब हम यहाँ पर इन दो फंदों का एक कर देंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली डालेंगे और बीच के पांच फंदे, देखिए ये पांच फंदे हैं, पांच फंदों को हम सीधा बनाएंगे, ऐसे एक जाली डाल दी और पांच फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए इस तरीके से अब दोबारा से धागा आगे करके एक जाली डालेंगे, इस फंदे को ऐसे पलटेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से धागा आगे किया, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर हम अपना ये वाला पैटर्न डालेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, सीधा उल्टा, नौ फंदे हैं हमारे ये, इनको हम ऐसे ही बना लेंगे, एक सीधा एक उल्टा। अब हम देखिए नौ फंदे बना के आगे धागा करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। अब हम अपनी उल्टी सिलाई भी निकाल लेंगे वैसे ही जैसे हमने हर बार अपनी उल्टी सिलाई निकाली है, ये हम अपनी उल्टी सिलाई बना लेते हैं। एक फंदा उल्टा बनाया, दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, नौ फंदे हैं हमारे ये, इनको हम ऐसे ही बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए। ये देखिए इस तरीके से अब हम दो फंदे अपने ये सीधे बनाएंगे और आगे के फंदे हम नौ फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे और लास्ट का फंदा उल्टा ये बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हम सीधी तरफ आ गए हैं और सीधी तरफ से अब हम अपनी ये वाली डिब्बी हम यहाँ पर बनाएंगे और इस डिब्बी को हम यहाँ पर बनाएंगे। इसके लिए देखिए हम पहला फंदा अपना ऐसे सीधा ही बना लेंगे, आगे सिलाई धागा करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब इन नौ फंदों पर हम अपना ये वाला पैटर्न यहाँ पर बनाएंगे। पहला फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। देखिए ये हमारे बन गए हैं सात फंदे, फिर एक फंदा उल्टा और फिर एक फंदा सीधा, नौ फंदे हमने अपने ये ऐसे बना लिए हैं। धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम अपनी ये वाली डिब्बी डाल लेंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे और दो फंदों का एक करेंगे इस तरीके से, फिर धागा आगे करेंगे, इस वाले फंदे पर हम एक जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे, धागा आगे करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलटेंगे, दो फंदों का एक करेंगे और दो फंदे सीधे बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से, फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे हम अपने उल्टे बनाएंगे और धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा जो हमने बना दिया। अब हम उल्टी साइड से पहला फंदा अपना उल्टा बनाएंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे। अब हमारे इधर की साइड ये नौ फंदे उल्टे बनेंगे क्योंकि हमारी डिब्बी चेंज हो गई है, एक दो तीन चार पाँच
सात, आठ और एक ये नौ। नौ फंदे हमने ये उल्टे बना लिए। नौ फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे किया, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे। अब हम यहाँ पर अपना ये वाला पैटर्न बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर धागा आगे, उल्टा फंदा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करके लास्ट का फंदा हम अपना ये उल्टा ही बना देंगे। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं और सीधी साइड से फिर हम ऐसे ही करेंगे। पहला फंदा अपना ये सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। ये हमने दो फंदे, देखिए अपने यहाँ पर ये बड़ा पैटर्न यहाँ पर है हमारा। अब एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, नौ फंदे हैं हमारे ये। इसी तरीके से हम इनको एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करते हुए नौ फंदों को बुन लेंगे। ये देखिए हमने अपने ये नौ फंदे बना लिए, धागा आगे किया, दो फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पर हमारे ये दो फंदे सीधे हैं, इसमें से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और इस फंदे को और इस फंदे को हम दो फंदों का ऐसे एक कर देंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे और तीन फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा आगे, इस फंदे को ऐसे पलटेंगे और दो फंदों का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब हम अपनी उल्टी तरफ की सिलाई निकाल लेंगे। एक पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, नौ फंदे उल्टे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक ये नौ। फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे। अब अपने नौ फंदे, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। ऐसे ही हम अपने ये नौ फंदे बना लेंगे सीधा उल्टा बनाते हुए। ये देखिए फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे, धागा आगे, एक फंदा लास्ट का उल्टा। अब देखिए हम इसकी सीधी तरफ आ गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं और सीधी साइड से फिर हम अपना पैटर्न वैसे ही बनाएंगे। पहला फंदा हम अपना सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, नौ फंदे अपने, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। नौ फंदे अपने हम इसी तरीके से ये बनाते हैं, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे। अब यहाँ पर हमारा एक फंदा सीधा बचा है, यहाँ पर भी हम दो फंदों का एक कर देंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली डालेंगे, बीच के पांच फंदे हम सीधे बुनेंगे, दो तीन चार पाँच, एक जाली डालेंगे, इस फंदे को पलटेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे, लास्ट के फंदे हम दो उल्टे बुनेंगे और एक फंदा सीधा। ये देखिए नौ फंदे हमारे यहाँ हो गए और नौ फंदे हमारे यहाँ पर। अब हम इसकी उल्टी सिलाई निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ये दूसरी डिब्बी भी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम ये डिब्बी यहाँ पर बनाएंगे और इस डिब्बी को, इस वाली डिब्बी को हम यहाँ पर बनाएंगे और इसे यहाँ पर बनाएंगे। जैसे हमने अपने पैटर्न की फर्स्ट सिलाई निकाली थी, ऐसे ही अब हम आगे निकालेंगे। एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, दो फंदों का एक। इसी तरीके से ये डिब्बी अब हम यहाँ पर बनाएंगे और ये यहाँ पर बनाएंगे। ये पैटर्न फ्रेंड्स हमारा इसी तरीके से रिपीट होता हुआ जाएगा। ये देखिए इसमें मैंने ऐसे ही बनाया है, पहले हमने ये डिब्बी यहाँ पर बनाई, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर,
फिर यहाँ पर ऐसे ही करते हुए हमने ये पैटर्न अपना बनाया है। थैंक यू फ्रेंड्स।